अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम, मैं अकबर ज़हीर आपके अपने YouTube चैनल तहरीक अदब में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ और बेहतरीन आवाज़ के मालिक जनाब वाहिद अली साहब। आइए आज हम इनसे मनकबत के कुछ अशार सुनेंगे और महजूज होंगे। वाहिद साहब सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। तहरीक़ अदब यूट्यूब चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के हवाले से मैं कसीदा पेश कर रहा हूँ। इस चैनल ने ये मौका दिया, मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। इन्नमा लिखा गया और हल्लता लिखा गया, इन्नमा लिखा गया और हल्लता लिखा गया। जब अली का नाम आया लाफता लिखा गया, जब अली का नाम आया लाफता लिखा गया। उसने मतलब पेश कर रहा हूँ के दोस्तों को कर दिया को सर्वता लिखा गया, दुश्मनों के वास्ते तब्बत यदा लिखा गया, दुश्मनों के वास्ते तब्बत यदा लिखा गया। शेर पेश कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो चाहूंगा। बारह हरफों से मुराकब है सिरातल मुस्तकीम, इसलिए बारह में जन्नत का पता लिखा गया, इसलिए बारह में जन्नत का पता लिखा गया। शेर पे पूरी तवज्जो चाहूंगा कि जब फरिश्ते लिखने बैठे थे वफाओं की किताब, सबसे ऊपर नाम भी अब्बास का लिखा गया, सबसे ऊपर नाम भी अब्बास का लिखा गया, और जिसे कुदरत ने लिखा था ला फता इल्ला अली, जिसे कुदरत ने लिखा था ला फता इल्ला अली, उस कलम से नाम सर का रे वफा लिखा गया, उस कलम से नाम सर का रे वफा लिखा गया। के अर्श पर यक जा हुई सब अंबिया की मेहनतें, अर्श पर यक जा हुई सब अंबिया की मेहनतें, तब कहीं जाकर जमीने करबला लिखा गया, तब कहीं जाकर जमीने करबला लिखा गया,
और आज भी कहती है ये दिल की 72 धड़कने, आज भी कहती है ये दिल की 72 धड़कने, जिस्त की हर सांस पर करबो बला लिखा गया। जब अली का नाम आया लाओ फता लिखा गया।